बीटा टू पुलिस ने सातिर चोर गैंग का खुलासा किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में सामान, ज्वेलरी, नकदी, पिस्टल और कहे जा सकते हैं कि जो कारतूस थे वो भी बरामद किए गए हैं। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जिस तरह से जो सातिर चोर थे वो जो बंद फ्लैट थे उनके अंदर घुसते थे, उसके बाद जो है घटनाओं को अंजाम देते थे। देख सकते हैं तस्वीरों में भारी मात्रा में यहाँ पर जो है कैश, ज्वेलरी, पिस्टल, तमंचा और ये जो नकदी यहाँ पर, उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो ज्वेलरी भी भारी मात्रा में जो इनसे बरामद की गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो और यहाँ तकरीबन जो है 30 से 40 जो यहाँ ताले, जो घरों के जो ताले तोड़ते थे वो भी यहाँ पर जो है बरामद किए गए हैं, और जो पेचकस, हथौड़ी तमाम और हेलमेट। बता दें कि ये सातिर चोर सोसाइटियों में ब्रांडेड कपड़े पहनकर जो है वहाँ घटनाओं को अंजाम देते थे। जो सिक्योरिटी गार्ड रहते थे सोसाइटियों के गेट पर, उनको चकमा देते थे और उसके बाद सोसाइटियों में जो है प्रवेश करते थे। हमारे साथ हैं DCP अमित जी, उनसे बात करते हैं कि ये सातिर चोर गैंग का जो खुलासा किया है, जो फ्लैटों में चोरी करते थे, ये किस तरह से आप लोग इन तक पहुँचे। ये एक सातिर अभ्यस्त अपराधी हैं दोनों जो पकड़े गए हैं, और इनके ऊपर 3.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर के किसी भी सोसाइटी के गेट पर जाते थे और फिर उसके जो गार्ड्स हैं उनको अर्दब में लेने की कोशिश करते थे, या फिर वहाँ कोई किसी भी व्यक्ति का पता बता कर कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं, और अंदर जाने की जो ऐप्स हैं, कुछ ऐप्स चलती हैं एंट्री गेट्स के लिए, उसमें गलत मिस इन्फॉर्मेशन देकर के एंट्री लेने की कोशिश करते थे। कितने फ्लैटों में इन्होंने चोरी की थी उस दौरान? दीपावली के समय सब लोग ज़्यादातर जो बाहर के होते हैं वो अपने घर चले जाते, कितने फ्लैटों में कुछ चोरी की थी? देखिए, हमारे लगभग 4 से 5 जो मामले हैं उनका खुलासा भी हो गया है, अन्य के बारे में पूछताछ की जा रही है। कितनी ज्वेलरी, कितना कैश लगभग जो इनसे बरामद किया गया, सामान क्या है इनसे? जैसा आप देख पा रहे हैं 1 लाख से कुछ ऊपर का कैश बरामद है, और लगभग 20 लाख के आसपास की ज्वेलरी यहाँ से बरामद की गई है। तो बताया जा रहा है कि इन्होंने जो चोरी के जो पैसे से कोठी भी खरीदी थी जी, तो जी हाँ, इस व्यक्ति की जो मुख्य चोर है शाहनवाज, इसकी लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत की एक कोठी जो इसने हाल ही में बनवाई है, जो 4 तल्ला है, 4 फ्लोर की एक कोठी है जो बनवाई है, और हम इन पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे और इन सब जो इसकी संपत्ति है उसकी नीलामी कुल की इत्यादि करवाएंगे। जैसे पॉश सोसाइटी होती है उसमें ये प्रवेश करते थे, कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे तो कहीं उनकी लापरवाही भी जो सामने आ रही है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने सिक्योरिटी कंपनी के लिए आप लिख रहे होंगे निरस्तीकरण लाइसेंस? जी हाँ, कुछ जगहों पर जैसे ये एंट्री नहीं पा पाए तो वहाँ ये अपनी घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ में ये मिस इन्फॉर्मेशन दे के, गलत सूचना दे करके, या फिर वहाँ पर गार्ड्स ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने इनसे पूछताछ नहीं की, ये बिना रोक टोक अंदर चले गए, तो ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी के जो गार्ड्स हैं जिन्होंने, जिनकी ट्रेनिंग इतनी ख़राब है, जिनका रवैया इतना उदासीनतापूर्वक है, उन सिक्योरिटी एजेंसीज के लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए, पसारा एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए हमारे यहाँ से रिपोर्ट ली। गैंग में कितने लोग थे इनके में? अभी फिलहाल हमने 2 लोग गिरफ्तार किए, अन्य के बारे में पूछताछ की जा रही है। कुछ और लोग भी हमारी जानकारी में आए हैं जिसके बारे में हम समय से मीडिया को सूचित करेंगे। आप थे DCP अमित कुमार जी, जिनका साफ कहना है कि ये जो सातिर चोर थे बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन के सोसाइटियों में सिक्योरिटी गार्डों को जो है चकमा देकर अंदर एंट्री करते थे, और इनके पास से लगभग जो है 20 लाख की जो ज्वेलरी है और 1 लाख से ऊपर की नकदी और भारी जो मात्रा में जो ज्वेलरी और हथियार बरामद किया गया है। बता दें कि ये सातिर चोर जो बंद फ्लैट होते थे उन्हीं में जो है उन फ्लैटों को अपना निशाना बनाते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनकर जो है सोसाइटी में प्रवेश करते थे, उसके बाद ये घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। घटना से रविंद्र जयंत, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।